अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर कई दिनों की तीखी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 8 दिनों तक प्रतिद्वंदी पक्षों की दलीलें सुनी। केंद्र सरकार ने अजीज बादशाह मामले में कोर्ट के 1967 के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मामला पिछले कई दशकों से कानूनी चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2019 को विवादास्पद मुद्दे को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा था। ऐसा ही एक संदर्भ 1981 में भी दिया गया था। अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले में 1967 में शीर्ष न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि चूंकि एएमयू एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी थी, इसीलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। हालांकि जब संसद ने 1981 में एएमयू संशोधन अधिनियम पारित किया तो इस संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा वापस मिल गया। लेकिन जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाले प्रावधान को रद्द कर दिया था। केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जबकि यूनिवर्सिटी ने भी अलग से याचिका दायर की। वहीं साल 2016 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा दायर अपील वापस ले लेगी। दरअसल कांग्रेस ने अजीज बादशाह मामले में कोर्ट के 1967 के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि यह सरकार द्वारा वित्त शोषित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।